लापरवाह पटवारियों पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में प्रदेश के अलग अलग जिलों में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की, जिससे पटवारियों में खलबली मच गई। छापेमारी के दौरान सोनीपत में अवैध कारोबारियों और नकारा कर्मचारियों में हड़कंप का माहौल देखने को मिला। दरअसल यहां हैबिटेट क्लब में चल रहे पटवार खाने में सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंची। पटवार दफ्तर में 7 पटवारी और 1 कानून गो की उपस्थिति होनी चाहिए थी, लेकिन मौके पर टीम पहुंची तो वहां पर कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। सोनीपत के पटवार खाने में आज पटवारियों से संबंधित हमें कुछ शिकायतें मिल रही थी, वहां पे चेकिंग की गई है और उस चेकिंग के दौरान पटवारी जो है मौजूद नहीं है। 8 पटवारी और 1 कानून गो की उपस्थिति यहाँ पे होनी चाहिए, जो लोगों को फैसिलिटेट करें उनके रेवेन्यू राजस्व के काम में, पर वो समय पर जो है उपस्थित नहीं मिले हैं। उनके बजाय एक प्राइवेट पटवारी हैं किसी प्रॉपर्टी डीलर के, वो उन्होंने ही ऑफिस खोला है, उन्हीं के पास कुछ दस्तावेज उपलब्ध है जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पटवार खाने पर छापेमारी का ये सिलसिला पलवल, करनाल, पानीपत और चरखी दादरी में भी देखने को मिला। टीम के यहाँ पहुँचते ही पटवारियों में खलबली मच गई और पटवारियों की ओर से अवैध तरीके से बिठाए गए दलाल मौके से फरार हो गए। इस दौरान कुछ जगह मौके पर कई पटवारी नदारद मिले तो टीम ने मौके पर हाजिरियां भी चेक की। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता हरियाणा के द्वारा आज पटवार घर में जो रेड की गई है, वहाँ ऐसी जो आदेश थे उच्च अधिकारियों के, वो ये थे कि चेक करना है, वहाँ लोगों की ग्रीवेंस होनी है। तो उसके आधार पे जब पटवार घर में जो चेक किया गया तो जो जो उपस्थिति अनुपस्थित मिले वो रिकॉर्ड तैयार किया गया है। इस बारे में हम विस्तृत रिपोर्ट बना के और आज शाम तक ही हम अपने हेडक्वार्टर भेज देंगे आगे, फिर ताकि नियमानुसार कार्रवाई उस लेवल पर हो सके। बता दें कि सीएम फ्लाइंग की छापेमारी प्रदेश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। लगातार मिल रही शिकायतों के चलते ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। लोगों का आरोप था कि बार बार लोगों को पटवारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन दफ्तर में कर्मचारी ना मिलने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते सीएम फ्लाइंग की टीम ने ये कार्रवाई की है। हालांकि सीएम फ्लाइंग के रेड से प्रदेश भर में हड़कंप है। सोनीपत से सनी मलिक, पलवल से सौरभ वर्मा, करनाल से हिमांशु नारंग, चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।